दोस्तों, क्या यह संभव है कि किसी मंदिर की पूजा पाठ करने के बाद जब मंदिर को बंद करके अच्छे से ताला लगाकर सभी अपने घर चले जाए तब मंदिर के अंदर से घंटी और पूजा करने की आवाजें आए? कम से कम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐसा संभव नहीं है, परंतु आज हम आप सभी को एक ऐसे मंदिर के बारे में जानकारी देंगे जहां मंदिर का दरवाजा बंद होने के बाद मंदिर के अंदर से घंटी और पूजा करने की आवाजें साफ साफ सुनाई देती है। इस मंदिर में आने वाले सभी भक्त तब आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब इस मंदिर की सबसे पहली आरती पहले से हुई मिलती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। जब ये बात वैज्ञानिकों के कानों तक पहुंची तो उन्होंने इस मंदिर पर शोध किया, पर वे नाकामयाब रहे और वे यहाँ पर होने वाली चमत्कारी घटना को कैमरे में कैद तक नहीं कर पाए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल में, और आज हम बात करेंगे भारत के सबसे रहस्यमय मेहर माता मंदिर के उन रहस्यों के बारे में जिसे जितना सुलझाने की कोशिश की गई वो उतना ही उलझता चला गया। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में मेहर की माता शारदा का प्रसिद्ध मंदिर है। मान्यता है जब मंदिर के दरवाजे बंद करके सभी पुजारी नीचे आ जाते हैं तो यहाँ मंदिर के अंदर से घंटी और पूजा करने की आवाजें आती है। पर वो कौन है जो इस मंदिर में तब आता है जब मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं? आखिर क्या रिश्ता है उसका इस मंदिर के साथ, और आखिर क्यों वो इस मंदिर में घंटियां बजाता है और मंदिर में स्थापित माता की आरती भी करता है? चलिए जान लेते हैं कि यहाँ के लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर आज भी आल्हा और उदल माँ शारदा की पूजा करने के लिए सबसे पहले पहुँचते हैं। अब ये आल्हा और उदल कौन है? आल्हा और उदल महाभारत में स्थित ऐतिहासिक बुंदेलखंड के सेनापति थे और अपनी वीरता के लिए विख्यात थे। आल्हा के छोटे भाई का नाम उदल था। जगनेर के राजा जगनिक ने आल्हाखंड नामक एक काव्य रचा था। उसमें इन दोनों वीरों की 52 लड़ाइयों की गाथा वर्णित है। उदल ने अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की। आल्हा अपने छोटे भाई की वीरगति की खबर सुनकर अपना आपा खो बैठे और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर मौत बनकर टूट पड़े। आल्हा के सामने जो भी आया वो मारा गया। लगभग एक घंटे के घनघोर युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान और आल्हा आमने सामने थे। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह घायल हो गए। उसके बाद आल्हा के गुरु गोरखनाथ के कहने पर आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दिया और बुंदेलखंड के महायोद्धा आल्हा ने नाथपंथ स्वीकार कर लिया और वैरागी बन गए। आल्हा और उदल मेहर माता के परम भक्त थे और यही कारण है कि वे आज भी इस मंदिर में आते हैं और माता की पूजा भी करते हैं। मंदिर परिसर में तमाम ऐतिहासिक महत्व के अवशेष आज भी आल्हा व पृथ्वीराज चौहान की जंग की गवाही देते हैं। मेहर मंदिर के पंडित कहते हैं कि आल्हा की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने आल्हा को अमर होने का वरदान दिया था। लोगों की माने तो आज भी रात 8 बजे मंदिर की आरती के बाद साफ सफाई का काम होता है और फिर मंदिर के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसके बावजूद जब सुबह मंदिर को पुनः खोला जाता है तो मंदिर में माँ की आरती और पूजा किए जाने के सबूत मिलते हैं। आज भी यही मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन हर दिन सबसे पहले आल्हा और उदल ही करते हैं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों की टीम भी यहाँ पर डेरा जमा चुकी है। उन्होंने तमाम सारे कैमरे लगाए, पर यह रहस्य अब भी बरकरार है कि यहाँ पर सुबह कौन आता है और इस मंदिर में पूजा भी करता है और घंटियाँ भी बजाता है। कहते हैं कि दोनों भाइयों ने ही सबसे पहले जंगलों के बीच माँ शारदा देवी की इस मंदिर की खोज की थी। आल्हा ने यहाँ पर 12 वर्षों तक माता की तपस्या की थी। दोस्तों, इस मंदिर को मेहर देवी का शक्तिपीठ कहा जाता है। मेहर का मतलब है माँ का हार। माना जाता है कि यहाँ माता सती का हार गिरा था, इसीलिए इसकी गणना शक्तिपीठों में से की जाती है। मेहर केवल शारदा मंदिर के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है बल्कि इसके चारों ओर प्राचीन धरोहरें बिखरी पड़ी है। मंदिर के ठीक पीछे आल्हा और उदल के अखाड़े हैं तथा यहाँ पर एक तालाब और भव्य मंदिर है जिसमें अमृत का वरदान प्राप्त आल्हा की तलवार उसी की विशाल प्रतिमा के हाथ में थमाई गई है। दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि माता के कहने पर आल्हा ने अपनी तलवार की नोक टेढ़ी करके माता को समर्पित कर दी थी और इस तलवार की नोक आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया। दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर होने वाले चमत्कार को अपनी आंखों से देखना है तो इस मंदिर में जरूर आइएगा।
इस मंदिर तक आने का पूरा एड्रेस हमने आप सभी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूं आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।